जय हिंद दोस्तों, ऑल इंडियन जॉब में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री के जो भर्ती निकली है उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इससे रिलेटेड सारी जानकारी। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर अभी तक नए हैं तो वीडियो के लाल बटन सब्सक्राइब जरूर दबा दें और बेल आइकन भी दबा दें जिससे हर अपडेट सबसे पहले आप तक हम पहुँचा सकें। तो बिना देरी चलते हैं इस वीडियो की ओर। आपको थंब पे तो देखकर एक बात पता चल गया होगा कि आप 12th पास है तो इस फॉर्म को आसानी से फिल कर सकते हैं। टोटल पोस्ट आपको 554 पोस्ट है। ये ऑनलाइन अप्लाई होगा और पूरे भारत के लिए स्टूडेंटों के लिए ये है। और इसे कोई भी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। चलिए ले चलते हैं वीडियो की ओर। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की भर्ती के बारे में हम आज जानेंगे। तो एक एक स्टेप की ओर चलते हैं और कहीं भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर पूछ सकते हैं। तो हम बात करते हैं, ये अपडेट जो निकल कर आया है आपको 24/9/2019 को निकल कर आया है। तो इसका क्या अपडेट है? दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के ग्रुप सी के पोस्टों के लिए आवेदन 1/10/2019 से ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कराई जाएगी। जो इसकी प्रक्रिया है आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने की 1/10/2019 से आपको ऑनलाइन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। इसके एक ही चीज़ आपको हम क्लियर करते चलेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं पहले रिक्त मतलब पोस्ट के बारे में बात करते हैं। जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का पोस्ट है आपको थंब पर देख कर पता चल गया होगा 554 पोस्ट हैं। ठीक है, जिसमें पुरुषों की पोस्ट है 372 और महिलाओं के लिए 182 पोस्ट हैं। अगर आप महिलाएं हैं तो अगर आप 12th पास है तो आप इस फॉर्म को आसानी से फिल कर सकती हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो इसके बाद आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकती हैं। चलिए नेक्स्ट एक एक स्टेप की ओर चलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एज वायु एज सीमा क्या रखा गया है, इसके बारे में हम कुछ जानकारी आपको बता दें। तो एज जो रखा गया है उसके बारे में ले चलते हैं। एज आपको 18 से 25 वर्ष होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 18 से 25 वर्ष आपके पास होना हो एज तब इस फॉर्म को फिल कर सकती हैं। एक और बात बता दूं, अगर आपको एज उम्र हो 2/7/1994 के बाद और 1/7/2001 से अधिक हो नहीं होना चाहिए। इसके बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकती हैं। तो बता दें 18 से 25 आपका एज हो तो इस फॉर्म को फिल कर सकती हैं। आपने अपना डेट ऑफ बर्थ मिला लीजिए। अगर आपको इस दोनों डेट ऑफ बर्थ के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ आता है तो आप इस फॉर्म को आसानी तरह से फिल कर सकते हैं। उसके बाद ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 3 वर्ष एक्स्ट्रा यानी आप 28 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। SC ST कैंडिडेट है तो आपको 30 वर्ष तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 आपको ओनली फॉर जनरल कैंडिडेटों के लिए आपको इशू किया गया है। उसके बाद इस प्रक्रिया में आपको बढ़ दिया गया है। चलिए बात करते हैं पे स्केल के भी। तो इसमें आपको 25,500 से 81,100 के समय केंद्र मतलब समय के साथ आपका परिवर्तन होते रहेगा। अब शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं तो आपको थंब पर ऐसे भी देख कर पता मैंने पहले ही बता दिया कि आवेदन भरने के जो आवेदन भरेगा उसको ओनली फॉर 12th पास होने चाहिए और इस फॉर्म को आप फिल आसानी तरह से कर सकते हैं। हम बात करते हैं उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप आपका टाइपिंग है तो आपको टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए हिंदी या इंग्लिश जो भी आप टाइपिंग स्किल टेस्ट देना चाहते हैं। तो आपको अंग्रेजी में टाइपिंग करना चाहते हैं तो आपका 30 का स्पीड होना चाहिए और हिंदी में 25 का प्रति मिनट होना चाहिए। अगर इससे बाद हम बात करते हैं शुल्क की। जो फॉर्म आपके आवेदन शुल्क लगने वाले हैं उसको 100 रुपया चार्ज आपके लगने वाले हैं। आप इस फॉर्म को फिल करने में आपको 100 रुपया चार्ज लेंगे। या तो ऑनलाइन आप अप्लाई करते हैं तो आपको डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग द्वारा किसी द्वारा आपको भुगतान 100 रुपया करना है। जो आपको यहाँ देखिए मैं पहले ही बता चुका था आपको। देखिए क्रेडिट कार्ड आप SBI के चालान द्वारा भी आप ये पेमेंट भुगतान कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आवेदन कैसे करना है। तो आवेदन कैसे करने के लिए आपको बता दूँ, आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक भी डाल दूंगा और एक और वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा जिसमें आपको हाउ टू अप्लाई का भी
वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके बाद इसका क्या सिलेबस है इसका भी नेक्स्ट वीडियो हम आप तक प्रोवाइड करा देंगे। और इसका अंतिम डेट आपको रखा गया है 30/10/2019। आपको ओनली 1 मंथ के समय मिल रहा है, पूरा आप फॉर्म को अच्छी तरह से जानकारी करके फॉर्म को फिल कर लें। उसके बाद मैं बता दूं आपको कितने स्टेपों से होकर गुजरना पड़ेगा, इसकी भी आपको इस वीडियो में हम क्लियर करते चलते हैं। पहले आपको कंप्यूटर आधारित प्रश्न मतलब ऑनलाइन आपको एग्जाम देना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑनलाइन एग्जाम देना है। और सेकंड बात करते हैं शारीरिक मतलब PHT टेस्ट होंगे, उसके बाद कंप्यूटर आधारित स्किल टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट होंगे, उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस में आप जाएंगे, उसके बाद आपका फाइनल मेरिट बनेगा। चलते चलते मैं आपको एक और फिर से बात बता दूं, आपको डेट को याद रखना चाहिए। तो डेट आपको एक क्या बोलते हैं आवेदक शुरू होने की तिथि आपको 1/10/2019 से होगी और 30/10/2019 तक इसका अंतिम दिन है। शुल्क जमा करने की 30/10/2019 तक है। इसका नया अपडेट अभी जैसे कुछ आता है मैं आपको सबसे पहले पहले प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहें तो हर एक चीज़ का अपडेट सबसे पहले आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। जब तक लिए जय हिंद दोस्तों, नया अपडेट हम जल्दी लेकर आते हैं। जब तक लिए जय